नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज ऐसी न्यू वैकेंसी 10 वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे जिसके फॉर्म अभी चालू हो चुके हैं, या उसके फॉर्म नेक्स्ट जून के लास्ट मंथ में या जुलाई के फर्स्ट वीक में चालू होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। साथ में इसमें सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती 2023 के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत ज़्यादा कमेंट इसी के बारे में। इसकी कुल पदों की बात करें तो 13,184 पदों पर ये भर्ती होने वाली है इसकी। उसके बाद में बात करेंगे बिना परीक्षा सीधे इंटरव्यू के आधार पर इसकी वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके। नेक्स्ट बात करेंगे इसके ऑनलाइन आवेदन की। बात करें तो अगर आपके ऑनलाइन आवेदन 20 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके 19 जुलाई 2023 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद में नेक्स्ट दो नंबर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उसमें महिला आंगनवाड़ी भर्ती है जिसमें पद ये जिले वाइज अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग पद रहने वाले। आवेदन की बात करें तो 5/7/2023 की इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और प्रत्येक जिले के अंदर ये भर्ती होने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे तीन नंबर राजस्थान लेब टेक्नीशियन भर्ती 2023 के बारे में बात करेंगे। इसके कुल पदों की बात करें तो 2007 पदित। आवेदन की बात करें तो इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके 31 मई से। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 30 जून है। आप जल्दी से, आपके पास समथिंग आज के बाद में 10 दिन आपके पास है, आप जल्दी से इसके फॉर्म में अप्लाई कीजिए। इसकी योग्यता की बात करें लैब टेक्नीशियन संबंधित डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपकी एज की बात करें तो 18 से आप लगभग इसके अंदर 40 वर्ष तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे चार नंबर नेक्स्ट राजस्थान रेडियोग्राफी भर्ती 2023। इसकी कुल पदों की बात करें तो 1,067 पद है। इसके ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 31 मई से 30 जून तक इसके ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं। 30 जून से पहले पहले आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर देना। आपको ये इसकी भी वो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष इसके अंदर रहने वाली, अलग अलग कैटेगरी वाइज वो छूट रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो इसके रेडियोग्राफी से संबंधित आपको डिप्लोमा आपके पास 10+2+ आपके पास रेडियोग्राफी से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पांच नंबर भर्ती के बारे में, नेत्र सहायक भर्ती 2023 के बारे में जिसके पद है 99 पद। अंतिम तारीख इसकी की बात करें तो इसके ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 13 जून से 12 जुलाई 2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 12 जुलाई, इससे पहले पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके नेत्र से संबंधित आपको डिप्लोमा होना चाहिए प्लस आप PCB से 12 होना चाहिए, 10+2 PCB होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से इसके अंदर भी 40 वर्ष होने वाले। और भी इससे संबंधित कोई डाउट और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे छः नंबर दंत टेक्नीशियन भर्ती 2023 के। इसके कुल पदों की बात करें तो 131 पद इसके अंदर रहने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 13 जून से और 12 जुलाई 2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं। आप जल्दी से लैब दंत टेक्नीशियन भर्ती की वेबसाइट जाइए, ऑफिशियल, वहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे सात नंबर के राजस्थान ECG टेक्नीशियन भर्ती 2023 जिसके पदों की कुल बात करें तो अभी इसके अंदर 241 पद है। अंतिम तारीख 21 जुलाई 2023 इसकी रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था, दिल्ली पुलिस MTS 888 पदों पर यह वैकेंसी है। इसकी योग्यता की बात करें तो 10+ इसकी आपको, अगर आप 10th आप पास आउट हो तो आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी के बारे
बात करेंगे। उससे पहले इसके ऑनलाइन आवेदन कब स्टार्ट होंगे, दिल्ली पुलिस MTS की बात कर लेते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। अभी तक आपके पास टाइम है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कर सकते हो। दिल्ली पुलिस MTS भर्ती परीक्षा तिथि भी जारी कर दिया, लगभग आपके जनवरी या फरवरी 2023 के अंदर इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसकी सिलेबस की और बात करें तो आपको 10+ है इसके अंदर, वो 10th वाला सिलेबस रहने वाला है। इससे संबंधित उसके बाद में नेक्स्ट बात करें 9 नवंबर भर्ती के बारे में, राजस्थान में नई भर्ती शीघ्र लिपि भर्ती 2023 की मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। इसकी कुल पदों की बात करें तो 164 पद रहने वाले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहब ने इसकी घोषणा कर दी है। और भी आपका कोई इससे संबंधित डाउट और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उसके बाद में आपकी फेवरेट वैकेंसी है जो राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा, इसका 2-3 साल से इंतज़ार चलता है। 2 साल के बाद ये प्रत्येक साल वैकेंसी, 2 सालों के बाद 1 साल के अंदर ये वैकेंसी आती है। इसके पदों की बात करें तो 905 पद इसके अंदर रहने वाले। जल्दी ही इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली, विज्ञप्ति जल्दी आपके जुलाई के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी। इसकी योग्यता की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन होना पे चाहिए। उसके बाद में 21 वर्ष से लेकर आपको 40 वर्ष तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में सबसे पहले भर्ती आने वाली की, इसमें आपको जल्द ही राजस्थान में न्यू वैकेंसी की पटवारी की भर्ती की बात करें तो 2998 पदों पर आपको ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आप निश्चिंत रहिए, तैयारी कीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आपकी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष एज है तो आप पटवारी की तैयारी कर सकते हो। इसकी ये पटवारी की वैकेंसी की बात करें तो ये CET से बाहर होने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंतजार है राजस्थान में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या अधिकारी भर्ती, कृषि अधिकारी भर्ती की, जिसके कृषि अधिकारी के पद हैं 25, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों की बात करें तो 430 पदों की अभी फिलहाल मंजूरी मिल चुकी है। और जल्द ही ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि इसके पद बढ़ने चाहिए। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित आपके कोई डाउट और कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। एग्रीकल्चर की सबसे पहले इसकी योग्यता की बात करें तो आपको 12th HG से होना चाहिए या BSc HG से होना चाहिए 12th, आप अगर कोई दूसरी स्ट्रीम है। उसके बाद में अगर आपने 12th एग्रीकल्चर से कर ली है तो आप इसके लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर आप 40 वर्ष तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो जुलाई 2023 से लगभग इसकी संभावना है, उसके बाद में इसकी एज काउंटर की जाएगी। इसकी सिलेबस की बात करें तो इसमें राजस्थान GK आने वाला है और हिंदी आने वाली है और एग्रीकल्चर आने वाले हैं। इससे अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आने वाला है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।